हेलो नमस्कार, मैं चंद्रकांत कोटेचा आज आपके सामने फिर से एक और एपिसोड लेके आया हूँ, जिसमें आज हम बातचीत करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार संगीत वादकों के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो हम कुछ नए तरीके के अलंकार आज करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी बहुत कम जगह ये सिखाए जाते हैं। तो ये अलंकार है सिंगल स्वर वाले, एक ही स्वर वाले अलंकार है, लेकिन बीच में हम रिक्त स्थान यानी खाली जगह छोड़ देते हैं। जैसे सा 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 एक ही स्वर है, लेकिन इसके बीच में एक डैश लगा देते हैं, सा आ सा 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 रे रे रे। इस तरह से अनेक प्रकार के अलंकार एक ही स्वर के बना सकते हैं। कभी एक रिक्त स्थान लगाइए या डैश लगाइए, कभी दो डैश लगाइए, कभी तीन डैश लगाइए, और इस तरह से अलंकार एक एक मात्रा बढ़ने से दादरा में, रूपक में, तीन ताल में अलग अलग तरह से हम एक ही अलंकार एक ही स्वर वाले बजा सकते हैं। ये मैं आपको बांसुरी में बजा के बताऊंगा, ताकि बांसुरी में तत्कारी कैसे आपकी अच्छी हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। दूसरा, आपका ब्लो का कमांड कैसे इम्प्रूव हो सकता है, और स्वर की नॉलेज कैसे इम्प्रूव हो सकती है, और साथ साथ फिंगरिंग की एक्सरसाइज कैसे इम्प्रूव हो सकती है, ये बात हम सोचेंगे। बहुत इजी और सिंपल सिंगल स्वर वाले अलंकार है, लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूँ आपने बहुत कम जगह देखे होंगे, या तो शायद ना भी देखे हों, क्योंकि ये मैंने खुद बनाए हैं। बहुत सारे अलंकार बनाए हैं, आपको वन बाय वन एपिसोड में एक के बाद एक बताता जाऊँगा। आपको पता चलेगा कि बांसुरी पर इस तरह के अलंकार बजाने से कैसे आपकी तत्कारी, फिंगरिंग, ब्लो कमांड, स्वर की सच्चाई सब इम्प्रूव होती है। आप देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं तीन स्वरों वाले, एक ही स्वर वाले, लेकिन तीन तीन बार लेके दादरा ताल में, जैसे सा 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 रे रे रे, ऐसे देखिए दादरा ताल में कैसे उसको वोकल में और फ्लूट में करते हैं। दादरा में 180 बीट पर मिनट की स्पीड से बजाया। अब चाहे तो थोड़ी और स्पीड बढ़ा के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हमारी फिंगरिंग और स्मूथ हो जाए। तो देखिए इसकी स्पीड बढ़ा के 220 बीट्स पर मिनट पे बजाते हैं। इसको इस तरह बीट के साथ, कट टू कट बीट के साथ बजाने से हमारी फिंगरिंग और तत्कारी तो ये तत्कारी और फिंगरिंग दोनों इम्प्रूव होती है। अभी देखिए ये तीन स्वर वाले, मतलब कि एक ही साथ तीन बार लेने वाले अलंकार में हम बीच में एक जगह डैश रख देते हैं, जैसे सा डैश सा 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 आ सा सा रे ए रे रे। तो अब ये कैसे बनता है, चार चार मात्रा, मतलब तीन तार में अब बजा सकते हैं, सा 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 रे 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 ग ग ग। देखिए ये हम तीन तार में कैसे बजाते हैं। ये 220 बिट्स पर मिनट में तीन ताल में है। अब दो सा के बाद एक डैश लगा के बजा लेते हैं, सा 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 रे 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नी 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 सा 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 नी 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 ध ध ध प प प म म ग ग ग रे 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 सा सा सा।
सा के बाद एक डैश लगाया, फिर एक और सा, सा सा डैश सा। अब ये 220 बीट्स पर मिनट है, अभी इसकी स्पीड बढ़ा के हम, अब देखिए ये 260 की स्पीड में सा 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 रे रे रे, ये कैसे बजता है, फिर सा 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 रे रे रे, ये कैसे बजता है, दोनों देखिए। अब सा सा सा, अब ये 300 बिट्स पर मिनट, अब दो सा के बाद एक डैश लगा के, तो ये हमने तीन सा, सा 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 रे 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 ग ग ग, सा 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 रे 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 ग ग ग, और सा 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 रे 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 ग ग ग, इस तरह के अलंकार को दादरा में और फिर तीर्थ में अलग अलग दो तीन स्पीड में बजा के देखा। अब हम चाहें तो इसमें कुछ और ट्विस्ट ला सकते हैं, इसमें हम चाहे जितना ट्विस्ट लाना चाहे ला सकते हैं, इसमें 200-300-500 अलंकार भी इसी तरह से बन सकते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ी हिंट भी दे रहा हूँ, आप भी कुछ चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं ऐसे अलंकार। अब हम चार सा लेते हैं, चार सा लेंगे तो ये भी तीन ताल में ही बजेगा, सा 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 रे 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 ग ग ग ग म म म म प प प प ध ध ध ध नी 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 सा 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 सा। और इसके साथ हम बीच में एक डैश या दो डैश डाल के इसको और ट्विस्ट कर सकते हैं, चार सा और उसमें दो डैश या दो रिक्त स्थान। अभी हम पहले एक रिक्त स्थान वाला बजा के ट्राई करते हैं। तो कैसे, सा के बाद तीन सा, सा डैश सा सा सा, सा 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 रे 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 ग ग ग ग म म म म प प प प, तो ये सा आ सा सा सा, तो पांच मात्रा और पांच मात्रा, मतलब 10 मात्रा का जप ताल। तो ये चीज़ हम जप ताल में भी कर सकते हैं। तो पहले चार सा बिना कोई रिक्त स्थान के, और उसके बाद चार सा के बीच में बारी बारी से अलग अलग एक एक जगह रिक्त स्थान बदलते हुए, यानी डैश को बदलते हुए और पांच अलंकार बनाएंगे और उसको अलग अलग तीन स्पीड में बजाएंगे, देखते हैं कैसे बजते हैं। अब देखिए चार सा और लेकिन बीच में एक और डैश, मतलब पांच बीट हो गया, तो पांच बीट प्लस पांच बीट 10 बीट वाले जब तक है। इसी को फ्लूट में बजाना। अब दो सा एक डैश और फिर से दो सा, सा सा आ सा रे रे ए रे, इसको 260 बीट के जब तक है।
सा 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 रे 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 रे, इस तरह से पांच बीट, चार सा। तो ये थे चार सा और बीच में एक डेस लगा के टोटल पांच बीट और जपताल में बजाए हुए कुछ ताल जो कि एक ही स्वर वाले हैं, जैसे तीन सा और एक डेस और एक सा और सा 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 आ सा रे 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 ए रे। तो इस तरह को जपताल में कैसे सा 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 रे 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 ग ग ग ग म म म म प प प प ध ध ध ध नि 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 सा 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 नि 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 ध ध ध ध प प प प म म म म ग ग ग ग रे 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 सा 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 सा। तो इस तरह से हम अलग अलग बीट, अलग अलग स्वर सा की संख्या और अलग अलग अंदर डेस लगा के जितना चाहे उतने अलंकार बना के बजा सकते हैं। इससे अगर फ्लूट बजाने वाले हैं तो तत्कारी और फिंगरिंग बहुत इम्प्रूव होगी, और अगर यही अलंकार कोई गिटार या सितार या सरोद बजाने वाले बजाएंगे तो उसका स्ट्रोक बहुत इम्प्रूव होगा, बहुत ही बढ़िया सा उसका हाथ की सफाई हो जाएगी। तो ये सारे बहुत बढ़िया से अलंकार है। इसी पैटर्न में और कुछ अलंकार नई तरह के मैं आपके सामने नेक्स्ट एपिसोड में रखूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इसी तरह के लेसन आपको और भी मिलते रहेंगे, और आपका फ्लूट या तो और भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं तो आपको इस लेसन से कुछ और नया नया मिलता रहेगा। इस अलंकार आपको कैसे लगे और आपने इसकी प्रैक्टिस की कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खूब आनंद होगा। और मैं चाहता हूं कि इस तरह के अलंकार बजा के आप भी अपना बजाना इम्प्रूव करेंगे। इस तरह के अलंकार से जो हाथ की सफाई, फिंगरिंग, तत्कारी जो इम्प्रूव होगी वो आपको बाद में कोई राग की बंदिश या तान या फिर पिक्चर के गाने बजाने में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इसके लिए ये सब अलंकार बहुत बेसिक है लेकिन करने बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ ये लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा और आप ज़रूर ये अलंकार करेंगे और हमें बताएंगे भी आपको कैसा लगा। थैंक यू। मैं चंद्रकांत कोटेचा आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।